नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चंद्रमा की, थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष भी लेंगे और फिर हम बात करेंगे कि चंद्रमा यदि कुंडली में निर्बल है तो किन उपायों से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा के विषय में मैं पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा ज्योतिष में सर्वाधिक प्रमुख ग्रह है और जिस किसी को चंद्रमा की अनुकूलता मिल जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। वेदांत ज्योतिष में चंद्रमा को माया का स्वरूप माना गया है। वेदांत और ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे वेदांत में ये कहा जाता है कि भाई पंच महाभूत यानी माया की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और माया से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से सृष्टि उत्पन्न हुई है, यही क्रम है वेदांत का। तो ज्योतिष शास्त्र में भी ये क्रम है कि इसमें हम सूर्य से उत्पत्ति मानते हैं चंद्रमा की और इन दोनों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। मूल में सूर्य है, सूर्य से चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा मिल करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो फिर आप देखें कि ब्रह्मा और सूर्य समान धर्मी हुए, माया ब्रह्मा से पैदा हुई है, इसी तरह चंद्रमा सूर्य से उत्पन्न है और दोनों का ज्योतिष शास्त्र और वेदांत का एक ही स्वरूप है। ठीक है, चंद्रमा चूँकि माया है तो माया प्रभु की ही देन है और माया का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये सृष्टि चल सके। भगवान कहते हैं पुरुष, जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघित कर जाते हैं अर्थात संसार से पार हो जाते हैं। तो ये तो उपाय है, माया से अगर पार पाना है तो फिर प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उन्हें गृहिणी की आवश्यकता होती है और गृहिणी के आ जाने के बाद फिर माया का विस्तार होता है और ये माया ही व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को चलायमान रखती है। भगवान अर्जुन से कहते भी हैं कि ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता रहता है। माया में एक बड़ी अजीब सी शक्ति होती है, अदृश्य होना और अदृश्य का दृश्य होना और दृश्य का अदृश्य होना, यही माया है। और माया का स्वरूप हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे चुंबक, कि चुंबक दिखलाई पड़ता है लेकिन उसमें जो आकर्षण शक्ति होती है, जो लोहे को खींचती है, वह अदृश्य होती है, वह आँखों से दिखलाई नहीं पड़ती। पुरुष और स्त्री दोनों ही एक ही तत्वों से बने हुए हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा आत्मा समान रूप से इनको प्राप्त हैं, लेकिन इतना होते हुए भी दोनों के शारीरिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर स्त्री को हम चुंबक कहें तो उस चुंबक में जो लोहा है वह पुरुष है। स्त्री में भी एक महान आकर्षण शक्ति होती है, चंद्रमा भी एक स्त्री ग्रह है। तो हम बात चंद्रमा की कर रहे थे। तो चंद्रमा को माया माना गया है और माया इस सृष्टि को पालने में, इसका संवर्धन करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दृश्य अदृश्य होने वाली है, स्वयं प्रकाशित ना होकर ब्रह्म से प्रकाशित होती है, लोग मोह में फंसाती है और प्रभु ने इसका उपाय बताया है कि जो मेरी शरण में आता है, मुझे भजता है, तो वह इस माया को पार कर जाता है। तो इस तरह माया के गुणधर्म चंद्रमा के गुणधर्म से मिलते हैं, मतलब माया और चंद्रमा का स्वरूप एक ही है। अब कुंडली की अगर बात करें तो चंद्रमा जो कि मन का प्रतिनिधित्व करता है, अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर व्यक्ति को भले ही उसके पास बहुत पैसा ना हो,
बहुत साधन ना हो लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता है। मन की शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हर हाल में प्रसन्न रह सकते हैं। चंद्रमा मुख्य रूप से मन, माता, जल और संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा को बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट माना गया है। हम गोचर भी चंद्रमा से ही देखते हैं और प्रतिदिन का हर पल का हाल हम चंद्रमा से जान सकते हैं। सभी को मालूम है कि 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को पूरा भोग कर लेता है, एक राशि बदल देता है 2.25 दिन में, और प्रतिदिन एक नक्षत्र का भोग करता है। तो 27 नक्षत्र हैं तो एक दिन एक नक्षत्र का ये भोग करते हैं। इतने फास्ट मूविंग ये प्लैनेट हैं। चंद्रमा की महत्ता तो इतनी है कि हम ज्योतिष में चंद्र कुंडली बनाकर अलग से चंद्रमा के विषय में, जातक के विषय में जानते हैं, जान पाते हैं चंद्र कुंडली के माध्यम से। चंद्रमा जल का कारक है तो जितना जल पृथ्वी पर है उतना ही जल हमारे शरीर में है। जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा के अंदर अट्रैक्शन पावर है तो इसलिए हमारे शरीर के जल को भी अट्रैक्ट करता है और इसी से हमारा मानसिक संतुलन बनता बिगड़ता भी है। ऐसा शोध करके बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन व्यक्ति का, जो अवसादग्रस्त व्यक्ति होते हैं, पागल होते हैं, ल्यूनेटिक, उनका पागलपन बढ़ जाता है। तो ये सब चंद्रमा के कारण होता है क्योंकि चंद्रमा जल को अट्रैक्ट करता है। तो चंद्रमा के कारण ही मनुष्य की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा की राशि कर्क होती है, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं और ज्योतिष में चंद्रमा के पक्ष बल को स्वीकारा गया है। राहु, केतु और शनि के प्रभाव में आकर चंद्रमा दूषित भी हो जाते हैं। कुंडली में अन्य कई बातें भी हैं जिनसे ये जाना जा सकता है कि आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा कैसे हैं। जातक में कुछ लक्षणों को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। चंद्रमा अच्छा है तो माँ का सुख मिलेगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मनोबल आपका मजबूत होगा। और चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप कठिन परिस्थितियों में घबरा जाएंगे। चंद्रमा अच्छा है तो कठिन परिस्थितियों में कोई घबराहट नहीं होगी। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं। चंद्रमा की कमज़ोरी का सीधा अर्थ है कि आप बहुत जल्द निराश हो जाएंगे, बहुत जल्द तनावग्रस्त हो जाएंगे, एक अकारण भय आपके मन में रहेगा, जरा जरा सी बात पे झल्ला उठेंगे। तो ये सारे लक्षण हैं जिसके कारण पता लगता है कि चंद्रमा दूषित है, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है। अब मन एकाग्र नहीं हो रहा है, चंद्रमा की अनुकूलता आपको नहीं मिल पा रही है, कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो फिर इसके उपाय भी हैं। उन उपायों को करके आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। पहला उपाय जो मैं सभी को कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। शिव जी ने ही चंद्रमा को धारण कर रखा है इसलिए आपको चंद्रमा की कृपा मिलेगी अगर आप प्रतिदिन शिव जी की भक्ति आराधना करते हैं। तो एक ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप प्रतिदिन अपनी माता जी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रतिदिन सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें, माँ के सदस्य लोगों की भी कृपा दृष्टि पाने का प्रयास करें और इससे फिर धीरे धीरे चंद्रमा की प्रतिकूलता दूर होने लगे। चौथी बात, तीसरी बात ये कि नियमित रूप से आपको योग प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए, जल का सेवन अधिक करना चाहिए। कोशिश करें कि चांदी के पात्र में रखे हुए जल को ग्रहण करें, ध्यान साधना करें। ध्यान साधना करने से भी आपका मन एकाग्र होना शुरू होगा। जिन लोगों का भी चंद्रमा राहु से अगर ग्रसित है कुंडली में, तो वे लोग विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू करें।
प्रयास करें कि वर्ष में 2-3 बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकें, गोपाल जी के दर्शन कर सकें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये मित्रों प्रयास था मेरा आपको चंद्रमा के विषय में बताने का और उनसे जुड़े हुए उपाय बतलाने का। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम, नमस्कार।